चैट कर चैट पे बता दिया करें कि भाई कोई बात नहीं, ताकि बात हम आगे बढ़ाएं। तो अगर है तो बात कर लें कि कहाँ बात हो रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी सर? 99 वैसे 99 वाले बैच के बच्चे इस क्लास में कैसे आ गए, क्योंकि 99 तक तो हमने किसी को बताया ही नहीं। ये तो मैं कल इसमें 102 और 101 के बच्चों को हमने ये दी थी आईडी, तो आप कैसे पहुंचे इस क्लास में? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैन यू हियर मी? सिर्फ बाबर है आते हैं। जी जी कमेंट बात। अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी, आप ये जो हमने लास्ट कल का लेक्चर था उसमें मुझे अगर आप कोई फिजिकल वेबसाइट की एग्जांपल दिखा दीजिए जिसमें हमने एंकर टेक्स्ट फिट किया हो एज एन ए प्राइमरी और LSI कीवर्ड, चाहे आपकी अपनी वेबसाइट हो, मुझे सिर्फ उसको एक दफा दिखा दीजिए कि हाउ टू मैनेज द कीवर्ड इन द एंकर टेक्स्ट। आप उसकी कोई एग्जाम्पल सर मुझे दिखा दीजिए अगर आप अपने स्क्रीन नहीं, शॉट पर दिखा उसमें आप जो लास्ट लेक्चर में मैंने को बात की थी इसके ऊपर एंकर टेस्ट पे, जी जी आपने वो एंकर टेक्स्ट के मुताबिक बताया सर, जो आपकी लास्ट स्लाइड थी उसमें एंकर टेक्स्ट था सर। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी वो मेरी ऑफ पेज के हवाले से डिस्कशन थी। जी जी बिल्कुल, ऑफ पेज के हवाले से। हाँ, वो ऑफ पेज के हवाले से डिस्कशन थी। आप ऑफ पेज के हवाले से बात करना चाह रहे हैं या ऑन पेज के हवाले से बात करना चाह रहे हैं? सर मैंने इसको ऑन पेज के वाले से मैं कर रहा था जी, मुझे सर नहीं, ऑन पेज के बारे से बिल्कुल ना बात करें, जो कि वो बहुत पुरानी बात होगी, वो तो फिर हमें बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, 15 मिनट लग जाएंगे आंसर देने में। आप ऑफ पेज के बारे से कहेंगे तो वो मेरे पास एग्जाम्पल अभी ओपन है, वो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बात बड़ी पुरानी हो गई कि वो ऑन पेज ऑफ पेज जो आप बात करें। और वैसे वैसे भी जो जो मैंने लास्ट डिस्क्रिप्शन की थी उसमें मैंने अगर LSA कीवर्ड की बात भी की थी, LSA में इंटरनल लिंकिंग नहीं इतनी ज्यादा होती, हम एक्सटर्नल लिंकिंग के वाले से उनको जो लास्ट मैंने 8-9 डिफरेंट पॉइंट बताए थे कि URL के साथ कर लें, ये मैंने ऑप्शन दी थी, ये जाता है टेक्निक ऑफ पेज के वाले से बात की जाती है। ऑन पेज के वाले से ज्यादा ये टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, जो कि वेबसाइट ही आपकी अपनी है और आपकी अपनी नेविगेशन है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनता। ये इशू बनता ही एक्सटर्नल वेबसाइट के साथ है, जब आपको बाहर की वेबसाइट से एक ही कीवर्ड से बैकलिंक आएंगे तो वहां इशू बनता है, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं फिर के डिफरेंट तरह की ऑप्शन को हम लेके चलते हैं। तो वो जो लास्ट इशू था वो ऑफ पेज के वाले से इशू स्पेशली था कि ऑफ पेज में ऐसा इशू आता है कि आप बैकलिंक लेते हैं वो मुनासिब नहीं होता, ऑन पेज में ऐसा कोई इशू नहीं होता। ऑफ पेज में, ऑन पेज में हम LSA वैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको इंटरनल लिंकिंग के लिए नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हम। ओके नहीं हाफिज साहब, ऑन पेज कंप्लीट नहीं हुआ, ऑन पेज की कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑन और ऑफ पेज दोनों के बाद आती हैं, यानी कि उसमें ऑन पेज भी हो जाए ऑफ पेज भी हो जाए उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक दोनों के साथ है, वो बाद में आएंगी, दोनों की कंबाइंड एक स्टडी भी आएगी जिसमें ऑन पेज भी होगा उसमें ऑफ पेज भी होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों को खत्म करने के बाद आप वापस आते हैं कि ये चीजें, यानी कि वो कंबाइंड लेक्चर होगा ऑन प्लस ऑफ का। और कोई बात करना चाहिए? ऑफ पेज में हमने लास्ट तक मेरे ख्याल वो एंकर टेक्स्ट पे बात की थी, जो कि अगर आपने ऑफ पेज में क्वालिटी लेके आनी है, और उस पर फिर मैंने, मेरा ख्याल है कि एंड पे जाके हमने ऑफ पेड बैकलिंक की कुछ बात की थी, ऐसे ही है। जैसा आवाज तो जा रही, लोगों का आंसर भी आ रहा है, आपको वॉइस नहीं आ